महिला आरक्षण बिल को लेकर मचा बवाल। क्या हो पाएगा महिला आरक्षण बिल पास? 27 साल से अटका है बिल। क्या पीएम मोदी देने वाले हैं महिलाओं को सरप्राइज? संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के शुरू होते ही महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बिल को विशेष सत्र पेश कर सकती है। लगभग 27 साल से लंबित पड़े इस बिल को सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दलों तक पारित करने की मांग कर रहे हैं। अगर महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता है तो महिलाओं के लिए क्या फायदे होंगे, कितनी सीटें होंगी, आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। बता दें कि अगर संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार 33% कोटा के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होगी। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली में आवंटित किया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, महिला आरक्षण विधेयक को सबसे पहले 1996 में संसद में पेश किया गया था। गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल की जांच की थी और 7 सिफारिश की थी। इसके बाद 1998, 1999 और 2008 में विधेयक को पेश किया गया था। 2008 में कमेटी की 7 सिफारिशों में से 5 को विधेयक में शामिल कर लिया गया था। इस मुद्दे पर आखिरी बार 2010 में कदम उठाया गया था, लेकिन कुछ सांसदों के विरोध के चलते ये बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। वर्तमान में 78 महिलाएं लोकसभा सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 के 15% से भी कम है, जबकि 246 राज्यसभा सीटों में से महिला सांसदों की कुल संख्या 25 है, जो करीब 14% है। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, गोवा और केरल शामिल है।